नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने और बेल आइकन से आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा की सभी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत है, ये बात धीरे धीरे सबको समझ आ रही है। टाटा नेक्सॉन हो या ऑल्ट्रोज या नई टिगोर ईवी, कम से कम ये गाड़ियाँ 4 स्टार्स लाई हैं और ऑल्ट्रोज और नेक्सॉन 5 स्टार क्रैश टेस्ट में ला चुकी हैं। और ये रेटिंग्स रियल लाइफ एक्सीडेंट में भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि ये उन कुछ गाड़ियों जैसी नहीं है जहाँ बिल्ड क्वालिटी के नाम पर क्रम्पल जोन का चूर्ण बांट दिया जाता है। टाटा पंच के भी फर्स्ट लुक्स अब आउट हो चुके हैं, जहाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑलमोस्ट हम सब कुछ देख चुके हैं। और गाड़ी ऑल्ट्रोज के अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनेगी तो काफ़ी हद तक तय है कि गाड़ी 5 स्टार्स नहीं तो कम से कम 4 स्टार्स जरूर लाएगी। अब बात करते हैं टाटा की आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी की, यानी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन ईवी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, जहाँ करीब 1000 यूनिट अगस्त में बिकी थी। और नेक्सॉन कन्वेंशनल आईसी इंजन के साथ आने वाली, यानी नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल, करीब 11000 यूनिट। तो टाटा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के पर मंथ करीब 11000 यूनिट बिक रहे हैं। रीज़न यहाँ सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। सेफ्टी आपको 5 स्टार की मिल जाती है, कंफर्ट फीचर्स काफ़ी सही है कार में, रियर पैसेंजर सीट काफ़ी स्पेशियस है और एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बूट स्पेस भी मिल जाती है। एक्चुअली ये कार एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। टाटा नेक्सॉन की मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से काफ़ी लोग मेजर एक्सीडेंट्स में सेफ रहे हैं। एक ऐसा ही एक्सीडेंट मिस्टर मदन जोशी ने मेरे ईमेल पर शेयर किया है बेंगलुरु से। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर मदन यहाँ बेल्लारी से हुबली की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें गदक के पास टाटा नेक्सॉन पलटी हुई दिखी। पूछने पर टाटा नेक्सॉन के ड्राइवर ने खुद बताया कि वो यहाँ गाड़ी करीब 100 km/h पर चला रहे थे और सडनली फ्रंट लेफ्ट टायर फट गया और गाड़ी से ड्राइवर का कंट्रोल हो गया, जिस वजह से गाड़ी डिवाइडर चढ़ने के बाद पलट गई। गाड़ी में ट्रैवल कर रहे 3 लोग को एक स्क्रैच भी नहीं आया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, सबने सीट बेल्ट पहनी होंगी तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया, इसलिए हमेशा सीट बेल्ट पहनना भी ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ 3 में से 2 पैसेंजर 65 ईयर से ऊपर थे, यानी 65+ थे, तो उन्हें भी एक स्क्रैच नहीं आया। यहाँ एंड में मिस्टर मदन ने लिखा कि टाटा नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरी कार होती तो यहाँ कैजुअल्टीज हो सकती थी। बाकी अगेन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, जहाँ हाई स्पीड पर टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसमें सबसे कॉमन रीज़न रहता है इम्प्रॉपर एयर प्रेशर इन टायर, और मेजरली जब आपके टायर की हवा कम हो तो ऐसा देखने को मिल सकता है, जहाँ टायर फ्लेक्सिंग की वजह से टायर का कॉन्टैक्ट एरिया विद रोड बढ़ जाता है और फ्रिक्शनल फोर्स और हीट भी, जिस वजह से एक्सेसिव हीट की वजह से टायर फट सकता है। इसलिए हमेशा अपने टायर में मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड सही प्रेशर मेंटेन करें एंड अवॉइड ड्राइविंग एट हाई स्पीड। यहाँ अगेन एक ह्यूमन एरर की वजह से ये एक्सीडेंट देखने को मिला, जो 90% केसेस में होता है। ऐसा बहुत कम होता है, शायद 1% से भी कम, किसी गाड़ी या मशीन में डिफेक्ट की वजह से एक्सीडेंट हो जाए। और ध्यान रखिएगा, वो डिफेक्ट भी गाड़ी में आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ही आएगा। इसलिए गाड़ी ने यहाँ तो अपना काम पूरी तरह से किया, अंदर लोगों को सेफ रखकर, और यहीं किसी हल्की कार में लोगों को शायद मेजर इंजरीज आ सकती थी और कोई कैजुअल्टी भी हो सकती। सो टाटा का लोहा वाकई दमदार है और अगेन इस कार ने अपनी 5 स्टार रेटिंग को प्रूव कराया है। इसलिए आप भी हमेशा एक सेफ कार लें। वीडियो को अगर शेयर जरूर करें। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।